अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैंने ये बनाया स्कार्फ। यहाँ से मैंने शुरू किया है, यहाँ पे मैंने 8 इंच की पट्टी बनाई है और यहाँ पे कड़े बढ़ाए और यहाँ पे 13 इंच बना के यहाँ पे कटाए और मैंने इसको मुकम्मल किया है। ये बहुत आसान है बनाना, ये बिगिनर भी बना सकते हैं। जिसको और सीधी उल्टी सिलाई भी बनानी आती है वो भी इसको आराम से बना सकता है। ये आसानी से बन जाता है। इस पर 100 ग्राम वो लगी है। चलिए मैं आपको बनाने का तरीका बताती हूँ ये कैसे मैंने बनाया। सबसे पहले मैं इसकी पट्टी शुरू करूँगी, यहाँ से शुरू करूँगी। यहाँ से 8 फंदे लेके इसकी पट्टी बनाती हूँ, तो मैं आप बताती हूँ कैसे बनाना है। ये देखिए व्यूज, यहाँ सबसे पहले मैं ये 3 पाई वूल ली है मैंने और 10 नंबर की ये सर्कल नीडल ली है, इसमें मैं बना रही हूँ। इससे सबसे पहले मैं इसकी पट्टी बनाऊंगी। पट्टी बनाने के लिए मैंने 8 फंदे लेने हैं और उसके थोड़ा सा धागा यहाँ पे छोड़ूंगी क्योंकि मैंने कम फंदे लेने हैं। सबसे पहले मैं फंदे इसमें डालूंगी, ऐसे 7, 8। अभी मैंने 8 फंदे ले लिए। अब इसको सीधा सीधा ही बनाना है। पहला फंदा मैं इसका बनाऊंगी, ये पहले वाला फंदा ऐसे उतारेंगे, धागा पीछे को लेके जाऊंगी और ये 8 फंदे ऐसे बना लूंगी मैं सीधे सीधे। फिर इसका पहला फंदा मैं उतारूंगी, ऐसे धागा पीछे को लेके जाऊंगी, ये सारे फंदे उल्टे उल्टे बनाऊंगी मैं। ये पहला फंदा उतारने से इसकी अच्छी चेन बन जाती है, बहुत अच्छी लगती है। अब मैं ये सारी पट्टी बना के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए आप, पट्टी की मैंने लेंथ पूरी कर ली है। ये मैंने 8 इंच तक बनाई है इसकी पट्टी। अब इसके आगे इसके घेरे बढ़ाऊंगी मैं, कैसे घेरे बढ़ाने इसके। ये देखिए पहला फंदा मैं ऐसे ही उतार लूंगी, इसका धागा पीछे करूंगी। चाहे तो आप ऐसे इसका घेरा बढ़ा लें, चाहे आप ऐसे इसका बढ़ाने में ऐसे बढ़ा रही हूँ। एक घेरा बढ़ाऊंगी, एक को मैं बुनूंगी, फिर एक बढ़ा लूंगी, फिर एक बुनूंगी, फिर एक बढ़ा लूंगी, फिर एक बुनूंगी, फिर एक बढ़ा लूंगी, ऐसे ये मुकम्मल करूंगी। इस रो में मैंने बढ़ाए हैं और ये सीधी बनूंगी। मैं एक पहले वाला उतार लूंगी, अब ये सारी सिलाई में सीधी बनूंगी। ये उल्टी भी सिलाई मैंने सारी सीधी बुन ली ऐसे ही। ये सीधी भी ऐसे ही बुन लूंगी। 30 सिलाइयों के बाद फिर मैं इस पे 4थी सिलाई में फिर घेरे बढ़ाऊंगी इसके में। ये भी मैं ऐसे सीधी बुन लूंगी। ये देखिए पहली रो में सीधी रो में मैंने बढ़ाए घेरे, उल्टी रो मैंने सीधी बुनी, फिर सीधी बुनी, फिर उल्टी। अब 4थी रो पे फिर मैं इसको बढ़ाऊंगी, एक स्लिप ऐसे कर लूंगी मैं, यहाँ पे बढ़ाऊंगी। मैं बढ़ाऊंगी एक ऐसे बनाऊंगी पीछे से और एक बढ़ाऊंगी।
एक बनाऊंगी, एक फिर इसमें घरा में बढ़ा लूंगी, फिर एक बनाऊंगी, फिर एक फंदा यहाँ पर बढ़ाऊंगी। अब फिर मैं इसके तीन सिलाइयां बना लूंगी और फिर चौथी सिलाई पे फिर बढ़ाऊंगी इसके। ये दो दफा मैंने बढ़ा ली है, एक दफा बढ़ाए फिर तीन सिलाइयां चला के, फिर ये दूसरी दफा बढ़ाए, अब तीसरी दफा इसको मैं बढ़ाऊंगी। पहला ऐसे ही उतार लूंगी घरा, एक यहाँ पे बढ़ाऊंगी, फिर एक बुनूंगी, फिर बढ़ाऊंगी, फिर एक बुनूंगी, फिर एक बढ़ाऊंगी। ऐसे ही मैं इसकी सारे बढ़ा के ये सिलाई मुकम्मल कर लेती हूँ। और फिर इसकी तीन सिलाइयाँ फिर मैं बनाऊंगी और उसके बाद फिर बढ़ाऊंगी इसकी। यहाँ पे मैंने तीन दफ़ा बढ़ा ली हैं, एक दफ़ा बढ़ाया फिर तीन सिलाइयाँ, फिर एक दफ़ा बढ़ाए फिर तीन सिलाइयाँ, अब चौथी दफ़ा बढ़ा रही हूँ मैं। और चौथी दफ़ा जब मैं इसको बढ़ाऊँगी, दो के बाद एक बढ़ाऊंगी, यहाँ पे मैं एक बढ़ा लूंगी ऐसे, एक दो, फिर मैं एक इसका फंदा बढ़ाऊंगी, एक दो, फिर इसका फंदा बढ़ाऊंगी, दो के बाद एक, ऐसे मैं बना लेती हूँ। और हमें चाहिए 85 फंदे चाहिए इसके, और इसकी लेंथ मुकम्मल मैं कर लेती हूँ। ये देखिए इसकी लेंथ मैंने मुकम्मल कर ली है, यहाँ से लेके ये 13 इंच तक मैंने इसकी लेंथ मुकम्मल कर ली। आगे मैं इसको जैसे यहाँ पे कड़े बढ़ाए थे और यहाँ पे मैं काम करूँगी, कैसे काम करूँगी मैं आपको बताती हूँ। ये पहला फंदा ऐसे उतारेंगे, धागा पीछे को करूँगी और दो का एक करूँगी मैं ऐसे, फिर दो का एक, फिर दो का एक, ऐसे करते हुए ये सारी सिलाई मैं ऐसे ही बना लूंगी। यहाँ पे हमने कम करने हैं फंदे, वहाँ पे बढ़ाए हैं यहाँ पे कम करने हैं, दो का एक करूँगी ये सिलाई सारी मुकम्मल करके। फिर मैं तीन सिलाइयाँ बनाऊंगी ऐसे ही कम किए बगैर, तो चौथी सिलाई में फिर मैं कम करूँगी। दो का एक ऐसे ही मैं सारी सिलाई इसको मुकम्मल कर लेती हूँ। यहाँ फिर हम फंदे से कम करेंगे, पहला फंदा उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे, फिर दो का एक करेंगे, दो का एक किया, फिर यहाँ पे दो का एक किया, ऐसे ही इसकी पूरी सिलाई बना लूंगी। उसके बाद फिर तीन सिलाइयाँ फिर मैं ऐसे ही बुनूंगी सीधी, इसमें नहीं कटाऊंगी, तीन सिलाइयाँ बना के उसके बाद फिर मैं इस पर काम करूंगी। जितने फंदे हमने वहां पे बढ़ाए हैं उतने ही फंदे हमने यहाँ पे काम करने हैं। इसकी तीन सिलाइयां मैं ऐसे ही बना लूंगी, फिर इसके काम करती हूँ। पहला फंदा फिर से उतारेंगे, धागा पीछे करूंगी, फिर दो का एक ऐसे, फिर दो का एक करूंगी, ये पूरी सिलाई ऐसे बना लूंगी जब तक हमारे 8 फंदे रह जाएंगे पीछे पट्टी के। फंदे करने पट्टी के, फिर इसके बाद में पट्टी बना लेती हूँ इसकी। इसके आगे मैं इसकी पट्टी बनाऊंगी,
ये देखिए व्यूज, मैंने ये मुकम्मल कर लिया। अब इसकी पट्टी मुकम्मल करूंगी फिर आपको दिखाऊंगी। ये देखिए व्यूज, मैंने ये मुकम्मल कर लिया स्कार्फ। इसकी दोनों पट्टियां मैंने मुकम्मल कर ली, ये भी बना लिया और ये भी। यहाँ पे मैंने फंदे बढ़ाए थे, एक सिलाई में बढ़ाए और तीन सिलाई मैंने बढ़ाए बगैर बनाए, फिर एक सिलाई पे बढ़ाए, यहाँ पे बढ़ा लिए। और यहाँ पे मैंने 13 इंच इसकी लेंथ तैयार करके और यहाँ पे मैंने इसके घटा लिए, जैसे यहाँ पे बढ़ाए यहाँ पे मैंने घटा लिए और ये मुकम्मल मैंने कर लिए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे बेल आइकन बटन को दबा दें ताकि मेरे आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। अल्लाह हाफिज़।